HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन और अद्भुत संग्रह के बारे में बता रहे हैं, जो कि समुद्र के अंदर तैरती है। समुद्री रास्ते से एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर आसान बनाने के लिए नॉर्वे एक बेहद चौंकाने वाला प्रयोग करने जा रहा है। इस सुरंग पर बनी सड़कें से लोग 1330 किमी तक का सफर महज कुछ घंटों में पूरा कर सकेंगे। जहाज के जरिए इस सफर को तय करने में फिलहाल लगभग 21 घंटे से ज्यादा समय लगता है। दो शहरों को जोड़ने के लिए नॉर्वे एक तैरती हुई सुरंग बना रहा है। यह सुरंग पोडिक और लेविक नाम के दो गांव को जोड़ती है। पश्चिमी नॉर्वे में सुरंग का पहला चरण पूरा हो गया है। यह सुरंग कुल 205 किमी की लंबा है। यह सुरंग दुनिया की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। करीब 4000 फुट ज्यादा लंबी कंक्रीट से ये सुरंग तैयार की जा रही है। इस सुरंग में दो लेन होंगी, जिससे वाहन आसानी से आ जा सकेंगे। सुरंग की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पानी की सतह पर दो पेंटून तैयार किए जाएंगे। इनके बीच पर्याप्त दूरी होगी, जिससे समुद्री जहाज और क्रूज आसानी से गुजर सकेंगे। ये सुरंग 2035 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह सुरंग इतनी मजबूत होगी कि इस पर किसी भी मौसम का कोई असर भी नहीं होगा। हालांकि इस सुरंग को बनाने में करीब 19 साल तक का लंबा समय लगेगा। माना जा रहा है कि इस पूरी परियोजना में लगभग $23 अरब खर्च होंगे। इस पुल के बनने से लोगों को काफी आसानी होगी। जो सफर वो 21 घंटों में पूरा करते थे, वही सफर अब कुछ घंटों में पूरा कर सकेंगे।